गंभीर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत दिल्ली ने आईपीएल मैच के अपने शुरुआती मैच में पंजाब के खिलाफ 7 विकेट गंवाकर 167 रन बनाए। पंजाब ने भी जोरदार पलटवार किया और दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब की ओर से ओपनर केएल राहुल ने टीम को तेज शुरुआत दी। पंजाब का स्कोर 3 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंच गया। राहुल ने महज 14 गेंदों में आईपीएल में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई। राहुल ने कुल 51 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। राहुल ने ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली अंत तक उसे उबर नहीं पाई।